हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक अपडेट लेके आया हूँ आप लोगों के, जो कि एमपीएससी मतलब मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो दोस्तों, मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन लोअर लचीमुली शिलोंग की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, और ये नोटिफिकेशन आज ही रिलीज किया है दोस्तों, मतलब 6 अप्रैल को। और यहाँ पे लिखा दोस्तों, टीएनटी प्रोग्राम फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट या टू रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन हैज बीन फिक्सड फॉर द फ्लोइंग पोस्ट ऑफ मैंशन एंड बिलो फॉर द मंथ ऑफ May 2023। तो दोस्तों, एमपीएससी के बहुत सारे वैकेंसीज अभी भी पेंडिंग में है। तो अभी उनमें से कुछ डिपार्टमेंट का एग्जाम होने वाला है दोस्तों नेक्स्ट मंथ, आप लोगों के मई मंथ में आप लोगों का होने वाला है एग्जाम। तो कौन कौन सी पोस्ट है और कौन कौन सी पोस्ट का एग्जाम होने वाला है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, सिंस द कमीशन डू नॉट हैव हॉल्स रूम ऑफ इट्स ओन। तो मतलब मेघालय एमपीएससी की खुद की एग्जामिनेशन हॉल नहीं है दोस्तों, तो वो अभी गवर्नमेंट स्कूल्स को ही यूज़ कर रहा है। तो अब लोगों का जो एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है दोस्तों, वो गवर्नमेंट स्कूल ही होगा, मेघालय गवर्नमेंट स्कूल होगा, और उनमें से ही किसी एक में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो कहाँ कहाँ पे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों को अपनी एडमिट कार्ड पर ही पता चला जाएगा। तो आप लोगों को एडमिट कार्ड पर सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर सेंटर्स का नाम मिल जाएगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी कहाँ पर आप लोगों का, कौन सी स्कूल पर आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, वो सब आप लोगों को उस एडमिट कार्ड पर ही पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग दोस्तों नंबर एक पोस्ट है दोस्तों, नंबर वन पोस्ट है सीनियर कंप्यूटर अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस। तो हेल्थ सर्विस में आप लोगों का ये एग्जिस निकला था दोस्तों 2018 को ही ये रिलीज़ किया था। ठीक है, और इसका अभी एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 6 मई को। ठीक है, तो 6 मई को इसका एग्ज़ाम होने वाला है 9:30 to 12 noon। ठीक है, 2.5 hours आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो LDA, तो LDA इन ऑफिस ऑफ हेड डिपार्टमेंट। तो हेड डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज निकला था दोस्तों 2019 को ही ये रिलीज़ किया था। तो LDA बहुत सारा निकाला है दोस्तों, 2019 में एक निकला था, उसके बाद 2020 में एक निकला था, उसके बाद दोस्तों 2021 में भी निकला है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा कुछ हर साल ये LDA पोस्ट निकल रहा है दोस्तों। तो अभी इनमें से तो सभी का सभी पेंडिंग में था दोस्तों। तो अभी इनमें से 2019 वाला एक वैकेंसीज, उसका एग्जाम होने वाला है दोस्तों 6 मई को ही। ठीक है, तो 6 मई को ही इसका एग्जाम होने वाला है 2 PM to 4:30 PM तक। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। उसके बाद मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अंडर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज निकला था 2020 को। ठीक है, और इसका एग्जाम होने वाला दोस्तों आप लोगों का 13 मई को। ठीक है, और टाइम दिया है दोस्तों 9:30 AM to 12 noon, मतलब इसका भी 2.5 hours आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट तो LDA फिर ये नेक्स्ट ईयर का मतलब 2020 का, तो पहले वाला 2019 का था और अभी 2020 का थे। ठीक है, तो 2020 में जो वैकेंसीज निकला था उसका एग्जाम होने वाला दोस्तों 13 मई को। ठीक है, 13 मई को, इसका भी 13 मई को होगा, और इसका टाइमिंग रखा है दोस्तों 2 PM to 4:30 PM सेम है। उसके बाद नंबर 5 पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेल प्लानिंग डिपार्टमेंट, और ये एडवर्टाइजमेंट आया था दोस्तों 2018 को। ठीक है, तो इसका एग्जाम होने वाला दोस्तों अभी 20 मई को। ठीक है, और टाइमिंग वही है दोस्तों 9:30 to 12 noon। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पोस्ट है दोस्तों LDA, जो कि पहला वाला था 2020 और अभी है ये पिछले ईयर का 2021 का। ठीक है, तो 2021 का जो LDA पोस्ट है तो उसका एग्जाम होने वाला दोस्तों 20 मई को। ठीक है, और टाइमिंग वही है दोस्तों 2 PM to 4:30 PM। ठीक है, उसके बाद लास्ट पोस्ट है दोस्तों मेघालय सिविल सर्विस। ठीक है, तो मेघालय सिविल सर्विस यहाँ पे आप लोग दोस्तों 2022 में एडवर्टाइजमेंट आया था और इसका एग्जाम होने वाला दोस्तों 27 मई को। ठीक है, 27 मई 10 AM to 12 noon ऑन एंड 2 PM to 4:30 PM। तो इसके लिए बहुत सारा कैंडिडेट्स अप्लाई किया है दोस्तों, तो इसके लिए 2 shift एग्जाम होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। और दोस्तों, इसका एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज़ नहीं किया है, तो 1-2 दिन में इसका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देगा। फिर भी मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू मिथिला एंड कांचीकान।